जैन भैया कैसे हो? हम है संतोष यादव और सुबह सुबह मैं कसम बता रहा हूँ वॉलीबॉल खेल रहा था और इस झंडू अवतार में मैं घूम रहा था और मेरे भाई गांव के नहीं है, दूर के हैं भैया हमारे आ गए मिलने हमसे, इनका नाम है राकेश। राकेश भाई कैसे हो आप? ठीक है भैया, मिल गए, बहुत ही मुझे खुशी हुई और हमारे पुरानी जान पहचान है लेकिन मिले काफ़ी दिन बाद, तो इनकी प्रॉब्लम क्या है आप सुन लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे सुनिए बताओ। हाँ संतोष भैया, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो पेट है ये देख लीजिए एक बार, काफ़ी निकाल दिया है भाई, काफ़ी निकल गया है तो इसे हम संतोष भैया से थोड़ा टिप्स मांगना चाहते हैं कि इसे कम कैसे करें, सिक्स पैक मुझे बनाना है। ऐसे सभी लोग सोच रहे हैं कि भैया हमको ये पेटवा कम करके सिक्स पैक बनाएंगे, कुछ लोग तो आपको सुना होगा कि कहते हैं कि अब एक हफ्ता में सिक्स पैक लेकिन हम करें नहीं चाहिए तो भैया ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। राकेश भाई आप ध्यान से सुनो और आप भी अगर आपका भी पेट ऐसा बढ़ रहा है ना, बता रहा हूँ एक महीने के अंदर गारंटी के साथ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज मैं कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल तरीका जो हर एक इंसान कर सकता है, दुनिया कोनो भी आदमी अगर पेट निकला है ना एक ट्राई करेगा ना वो कर सकता है और बहुत ईजी है, हर एक एज के इंसान इसे कर सकते हैं और अपने आप को फिट महसूस कर सकते हैं। और रही बात सिक्स पैक की, सिक्स पैक राकेश भाई किसी का बनता उनता नहीं है, पहले से ही होता है लेकिन हम लोग उस पर फैट चढ़ा लेते हैं ना, जैसे ही है सिक्स पैक इसके ऊपर कवर डाल दोगे फैट का तो दिखेगा नहीं ना, समझ रहे हो ना, अभी आपकी बॉडी दिख रही है, ये है देखो ये है चर्बी और ये है सिक्स पैक मानो, तो चर्बी जो है ये है, हम सिक्स पैक ऊपर चढ़ा दोगे तो सिक्स पैक दिखेगा नहीं चर्बी दिखेगी, ऐसा पेट होता है, चर्बी बढ़ जाती है सिक्स पैक अंदर होता है बेचारा वो इसे बैठा होता है कहाँ पे हमको निकलने ही दे रहे हो चर्बी बढ़ाए जा रहे हो, ठीक है ना। तो पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम आपको या राकेश भाई को क्या करना है, सुबह उठना है ठीक है ना, उड़ती सुरती इड़ी बीड़ी अंड गुटका फुटका अंड मंड उल्टा सीधा नहीं खाना है ठीक है ना, और कुछ लोग चाय रेल रहे हैं तो चाय बिल्कुल नहीं लेना है, उठते ही भैया आपका शादी हो गया भाभी जी कहो जैन बेटा जैन थोड़ा पानी गर्मा दो, एकदम गर्म नहीं कि जीभ ही जर जाए ठीक है ना, नॉर्मल गर्म करो, गुन हाँ जैसे चाय पीते हैं उससे भी कम गर्म होना चाहिए, गुनगुना पानी हो उसमें ना शहद ले लो, किसी भी कंपनी का शहद ले लो, अच्छी कंपनी का शहद ले लो, गुनगुना पानी में एक चम्मच शहद डालो, अगर नींबू हो तो आधा नींबू निचोड़ लो लेकिन शहद तो जरूर डालना है, पी लेना है कम से कम आधा लीटर ज़्यादा पानी होना चाहिए, पियो उसके बाद जाओ अट्टी टट्टी कुल्ला फुल्ला करके पेट एकदम फ्रेश हो जाओ, अब हो गया है पेट खाली, उसके बाद क्या करना है ग्राउंड हो तो ग्राउंड, छत हो तो छत, रोड हो तो रोड, कहीं पे भी अगर आपके दम हो ताकत हो तो आप रनिंग कर लो, बहुत धीरे धीरे रनिंग करनी है, अगर दम नहीं है ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप वॉकिंग करो कंटिन्यू 20 मिनट, कितना 20 मिनट, और काफ़ी तेज़ी से वॉकिंग करना है, जितना तेज़ी से आपके पिछवाड़े में ताकत हो उतना तेज़ी से वॉकिंग करो, लेकिन उतना तेज मत करना कि दौड़ने लगो तो वॉकिंग का रनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वॉकिंग जैसे फिनिश किए 20 मिनट बाद हमें करनी है पहली एक्सरसाइज, भैया आप ध्यान देख लो पहली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वॉकिंग करने के बाद यही सबसे बवाल चीजें हैं जो 4 से 5 एक्सरसाइज हैं आपका पेट ससुरवा काट के बाहर कर देंगे, ये गारंटी संतोष यादव लेता है, बस आप करिए। पहली एक्सरसाइज आपको हाथों के ऊपर करना है बिरादर, उठाओ ऐसे जंप, हाँ बहुत सही, इस तरीके से आपको करेंगे जंप करते रहो, अब अगर आपका मन होना तो सामने नहीं चारों तरफ ऐसे मारते रहो कोई दिक्कत नहीं है, घूम जाओ कोई दिक्कत, अगर मन हो तो इधर देख लो एक बार, इधर देख लो 360 डिग्री घुमाओ, लेकिन जंपिंग कंटिन्यू ऐसे होनी चाहिए, एंजॉय करते हुए जंपिंग करो ताकि मजा भी आता रहे और वर्कआउट भी होता रहे, एक बार में 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितना तुम्हारा मन हो भैया कर लो, रिलैक्स करिए। तो इसको भैया करना है आपको तीन बार, एक बार में कितना कर सकते हैं आप, अगर आपको कहा जाए मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 15 से 20 बार और कर सकते हो तो 25-30 बार तो अभी कर दिए, तो एक बार में लगभग 30 बार किए तो 3 बार में आपको 90 बार करना है ठीक है ना। दूसरी की एक्सरसाइज जो हमारे पेट बढ़ा है, ये साला पेट, ये नीचे वाला जो फैट है ये चर्बी, यही वाली चर्बी कम करने के लिए बहुत जरूरी है। अब अगर आपके पास ये भैया मैट हो तो मैट ही, हम लोग जो बोरी नहीं होती है कट्टा वही काट के हम लोग मैट बना दिए हैं, और कोई पेड़ हो तो पेड़ या तो अपने हाथों का जमीन रख सकते हो, नहीं तो अगर आप पीछे इसे पकड़ लोगे किसी आदमी का सहारा ले लो या ऐसे ही आप कर सकते हो, ऐसे करो और पैरों को उठाओ, पेट हमेशा टाइट रखना इस मूवमेंट में, चलो सही है, और सुनिए जब ऊपर आ रहे हैं सांस छोड़ना है, हाँ इस तरीके से इस मूवमेंट में आपको परफॉर्म करना है ये एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, पूरा नीचे मत जाना लेकिन आओ नीचे और बस ऊपर आ जाओ, इस तरीके से आपको 25 से 30 बार करना है और आप देखेंगे आपके पूरे ओवरऑल एब्डोमिनल पे ये काम करेगा और आपकी लोअर जो टमी है उस पर कम करने में ये हेल्प करेगा। इसके बाद हमारी जो अगली एक्सरसाइज होगी, हाथों को ऐसे करो यहाँ पे हाँ, और इसको मोड़ लो ऐसे, अब ऐसे मारो, चलो साइड, ये इस तरीके से
ऐसे आपको करेंगे ना, देखेंगे कि पूरे ओवरऑल अपर एब्स लोअर एब्स, मतलब ऊपर की चर्बी, नीचे की चर्बी, साइड चर्बी, अगल चर्बी, बगल चर्बी, सब कम करने में हेल्प करेगा। लेकिन क्रॉस करना है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। मैं बताऊं बहुत बवाल एक्सरसाइज है साली पेट वेट कम करने के लिए, इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती ओवरऑल फैट बर्निंग के लिए, क्योंकि ये पूरे बॉडी का फैट हटाने में आपकी हेल्प करेगा। जब पूरे बॉडी का फैट जाएगा ना, तभी एक स्थान फैट जाएगा। कोई कह रहा है अगर दुनिया में सिर्फ यही फैट कम करवा देंगे और पूरे बॉडी में ऐसे बनी रहेगी और एक जगह फैट कम करवाएंगे ना, उस आदमी को जूता मारो क्योंकि वो बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। थक जाओगे भैया, बस करो, लेस करो। एक्सरसाइज और है जो आपको हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबकी बाप एक्सरसाइज है। बाप इसलिए क्योंकि पूरे बॉडी फैट हटाती है। जब पूरे बॉडी फैट जाएगा ना, तभी यहाँ फैट जाएगा। अगर आप कह रहे हो कि हमारे पास हैंडल है और हम हैंडल ही से भागेंगे, लेकिन गाड़ी तो है ही नहीं, तो पूरे ओवरऑल पार्ट होगा तभी तो, हाँ बिना हैंडल काम चलेगा नहीं। तो अगर आप हैंडल हैंडल ऐसे ऐसे करेंगे तो लोग कहेंगे पगलाएंगे, बाप रे गाड़ी कहाँ हैंडल भागा था। हम लोग जो चौथी एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स, इस सबका बाप एक्सरसाइज, इसको मैं कभी मिस नहीं कर सकता, आपको भी कभी मिस नहीं करना इसको। लास्ट में ऐसे चलो ट्राई करो, 1 2 हाँ चलिए वैसे इस तरीके से, हाँ ये सबका बाप है, इसको आप ना मिस करो। वैसे भी कर सकते हो चाहे जब कर सकते हो, लेकिन खाली पेट ना ये बहुत ज़्यादा असर करेगा, कसम से बता रहे हैं बहुत ज़्यादा असर करेगा। एक बार में 30 से 40 तीन सेट लगाओ, फिर देखो तुम कैसे फिट बनते हो। और जो चाचा टाइप लग रहे हो हमारे एज के हैं ये, लेकिन ये थोड़ा चाचा टाइप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पेट बढ़ा लिए हैं, अंड बंड काम करके अंड बंड खा के पेट बढ़ा लिए हैं। अगर ये पेट कम हो जाएगा ना, ये फिर से लौंडे लगने लगेंगे, फिर से तहलका मचाने लगेंगे, रिलैक्स करिए। लास्ट एक्सरसाइज में आपको एक और बताऊंगा, इसे हाथ करिए, ठीक है, घुटनों को यहां तक लाना है जंप करते हुए। चलो चलो ट्राई करो, हाँ। और भैया जिसका ज्यादा पेट निकला है ना, उसको घुटने अगर नहीं आ रहे हैं, ट्राई करना है, यू हैव टू ओनली ट्राई, एंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू विल गेट द रिजल्ट। बट नेवर गिव अप वाला मैटर रखो, नेवर गिव अप वाला मैटर रखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। इस तरीके से ये भी करोगे ना, ये भी बाप, अगर वो पहले वाला बाप था तो ये चाचा है, ये भी पूरे ओवरऑल बॉडी का फैट कम करेगा। तो कसम से बता रहे हैं, हमने तो करवा दिया, अब इनसे पूछते हैं कैसा लगा। अच्छा लगा, लेकिन बवाल एक्सरसाइज है। बवाल एक तो मजा आया कि नहीं? हाँ मजा है। सही से बताओ करोगे ना? हाँ हाँ कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर कभी कोई वीडियो में इनको हम लेंगे, बुलाएंगे भाई को, और आपके साथ ऐसे एक्सरसाइजेस शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक वाइक कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करिए। बाकी हम लोग अपने तरफ प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को फिट हो सकें, लोग फिट हो सके, कुछ देख के कुछ मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग फिट हो, जैसे ये हमारे भाई हैं, कोशिश किया कि बता सकें। आप इनके ऊपर डिपेंड है, करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो भैया हम कैसे जबरदस्ती खुरपी से या हथौड़े से, हथौड़े से तो तलवार से कैसे इनका पेट काट दें, बताइए, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अपने ऊपर काम करेंगे तब जब अपने बारे में सोचेंगे, अगर सोच रहे हैं कि बस ऐसे में दिखावे के लिए कर रहा हूं तो भैया नहीं हो पाएगा। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी एक्सरसाइज बता दी भाई, आप ध्यान दीजिएगा। किसी का भी पेट निकला हो ऐसे करेगा, उसका एक महीने में गारंटी के साथ रिजल्ट मिलेगा। जय हिंद।